हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मेहंदी का क्लास वन का फर्स्ट वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और जो भी बिगिनर्स हैं या जो भी मेहंदी सीख रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम जो मैं ये जो लाइनिंग बना रही हूँ, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो ये काफ़ी बेसिक होता है मेहंदी में। तो जब हम ब्राइडल मेहंदी या स्टार्ट करते हैं बनाना, तो उसमें ये स्ट्रेट लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। और आपकी ये जो लाइनिंग है, जो फर्स्ट में मैंने बनाई हुई है, ये आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड में मैंने जो लाइनिंग बना रही हूँ, ये काफ़ी पास मैंने बनाई हुई है। और आप जितनी इसमें फिनिशिंग दोगे मेहंदी, दूर से देखने में उतनी ही खूबसूरत लगेगी। और इसके बाद हम ऊपर से इसमें ये डिज़ाइन देने वाले हैं। इस तरीके से हम ये डिज़ाइन बना लेंगे। और जो इसका बॉटम एरिया है, हमें ध्यान रखना है कि वो सारा इक्वल ही बने, मतलब कहीं छोटा या बड़ा ना हो, क्योंकि वो देखने में फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से हम इस टाइप की लाइनिंग के ऊपर ये डिज़ाइन करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ बॉक्स टाइप का ये शेप बनाऊंगी। ये भी काफ़ी सिंपल एंड इजी टू मेक है, एंड काफ़ी इजीली आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और जब ये बनता है, तो बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत ये डिज़ाइन लगती है फ्रेंड्स। तो ये बिगिनर लेवल्स के कुछ डिज़ाइन हैं, और काफ़ी बेसिक डिज़ाइन मैंने आपके साथ इसमें शेयर किए हुए हैं। इस तरीके से हम ये बॉक्सेस बनाएंगे, और हम इसको नीचे से भी एक लाइन इसमें खींच देंगे। इसके बाद ये हमारी डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। देन नेक्स्ट डिज़ाइन है हमारी, इसमें मैं एक बॉक्स बनाने जा रही हूँ, स्क्वायर शेप का बॉक्स। और इसके अंदर भी हम इसी टाइप के छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे, जब तक कि इसका जो अंदर का एरिया है वो फिल नहीं हो जाता। इस तरीके से हम इस बॉक्स को पूरा कवर कर लेंगे। काफ़ी एलिगेंट लगती है ये डिज़ाइन भी बनने के बाद। और आपको ध्यान रखना है, जैसे आप मेहंदी बनाते हैं, कोन का यूज़ करते हैं, तो आपको कोन थोड़ी दूरी पर रख कर और फिर उससे लाइन खींचनी है, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसके बाद फिफ्थ डिज़ाइनिंग है हमारी, इसमें मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं। इस तरीके से हम दो बॉक्स बना के उनके अंदर भी हम स्क्वायर शेप के बॉक्स बनाएंगे। और अब इन स्क्वायर शेप में मैं क्रॉस वाला डिज़ाइन बनाऊंगी। इस तरीके से जो क्रॉस वाला डिज़ाइन है, मैं सारे बॉक्स को इस डिज़ाइन से फिल कर दूंगी।
बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि ये आड़ा टेढ़ा ना बने। और इसके बाद मैं बीच में इसमें डॉट्स रख दूँगी तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा बाद में बनने के बाद। और आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ और कोई और डिज़ाइन भी इस टाइप के बॉक्सेस में दे सकते हैं। तो ये काफ़ी बेसिक था, और जो लोग अभी मेहंदी सीख रहे हैं तो वो काफ़ी इजीली इसे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम फ्लावर के शेप्स का डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जिसमें कि मैंने अभी एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, उसको कि मैं थोड़ा उसका लेयर मोटा कर रही हूँ, फर्स्ट लेयर। देन इसके बाद मैंने सेकेंड लेयर डाला है जो कि काफ़ी पतला है। और उसके बाद इस तरीके की डिज़ाइनिंग हम अपने फ्लावर में देने वाले हैं। इस तरीके से हम पूरे जो सर्कल है उसको कवर कर लेंगे इस डिज़ाइनिंग को बनाते हुए, और काफ़ी इजी टू मेक है। आप चाहें तो सर्कल के ऊपर लाइनिंग खींचकर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं, जिनको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है बनाने में। इसके बाद हम नेक्स्ट फ्लावर पर आ रहे हैं। इसका कि मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, इसके बाद मैं इस पर नेक्स्ट सर्कल ड्रॉ करूँगी। इसके बाद हम अपने फ्लावर की सेकेंड डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये लीव्स के शेप का फ्लावर मैंने इसमें बनाया हुआ है, ये भी काफ़ी इजी बन जाता है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप एक दो बार इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आप काफ़ी इजीली इसको बना सकते हो, बस इनमें प्रैक्टिस ही चाहिए होती है, क्योंकि बार बार बनाने पर आप इजीली इन्हें बना सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट फ्लावर पर आते हैं। तो उस तरीके से मैंने अपना सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और ये हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन है जो कि काफ़ी सिंपल है। और काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी ये मेहंदी में होता है। इस तरीके से हमारा ये जो नेक्स्ट फ्लावर था कंप्लीट हो गया है। और अभी हम इसके बाद फिर से एक और बनाने वाले हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फ्लावर्स और लाइनिंग के बेसिक स्टेप बताए हुए हैं, और नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको इसमें शेडिंग भी बताऊंगी कि कैसे की जाती है। और ये जो हमारा नेक्स्ट फ्लावर है इसमें मैंने कर्व्स बनाए हुए हैं, ऊपर एक थोड़ा हाई कर्व बनाना है, देन दो हमारे छोटे छोटे टिनी से कर्व रहेंगे। इस तरीके से ये हमारा छोटा सा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। और अब आते हैं हम नेक्स्ट फ्लावर पर। इसके लिए भी हम दो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये जो फ्लावर है वो सनफ्लावर के शेप का फ्लावर हम इसमें बनाने वाले हैं,
बट हम इसमें डबल लीव्स का यूज़ नहीं करेंगे अभी। ये इस तरीके की लीव्स के शेप में हम ये फ्लावर्स को बनाएंगे और वन बाय वन इस तरीके से कंप्लीट करते हुए हम जो ये जो गैप है इसको भी पूरा फिल कर देंगे। और अगर आप सनफ्लावर बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम डबल लेयर लीव्स की करेंगे तो सनफ्लावर का शेप उसमें आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट फ्लावर पर चलते हैं। इस फ्लावर में हम सर्कल से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ऊपर से हम इसमें कर्व्स बनाएंगे और इसमें हमें नीचे तक लाइनिंग इसमें नहीं लेकर आना है। और इसी तरीके से हमारा जो पूरा फ्लावर है हम कवर करेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हुए हमारा ये जो फ्लावर की डिज़ाइन है वो कंप्लीट होती है, जो कि बाद में बनने के बाद काफ़ी एलिगेंट काफ़ी खूबसूरत लगती है। इस तरीके से हम अपना पूरा फ्लावर बना लेंगे। और अगर आप अपने तरीके से भी कुछ बेसिक फ्लावर या कुछ इनोवेटिव अपने साइड से कुछ करना चाहते हैं तो उस आप अपने अकॉर्डिंग भी फ्लावर्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट एंड लास्ट फ्लावर हम क्रिएट करने वाले हैं। इसमें कि मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है और ये डबल सर्कल भी मैं बना दे रही हूँ। इस तरीके से थ्री कर्व्स लेते हुए और जो कर्व्स हमें लेनी है वो इक्वल लेनी है सारी, लेते हुए हम पूरा फ्लावर कवर कर लेंगे। सो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट क्लास थी मेहंदी की वो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आप मेहंदी आगे इसमें वीडियोज़ देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। एंड थैंक यू।